सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो बोला था ना सिस्टम डलवाएंगे, तो आ जाओ। अभी कुछ सामान मेरे पास पड़ा है और काफ़ी चीज़ें मैंने जाके लेनी है न्यू, तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं। आज फिर एक और खुशी है, पहले अलॉय डलवाए थे, अब सिस्टम डलवाऊंगा, फिर गाड़ी चार दिन ही चालू करेंगे। चलो अंदर आ जाओ। गाड़ी ओनी हो चुकी है स्टार्ट, पहले होगी अपनी पूरी गाड़ी डैम, फिर अपना और सामान लगेगा। अलॉय चेक करो सिस्टम, अभी डैम होएगी ना गाड़ी पूरी 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 गाड़ी डैम कराएंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि भाई मारुति है, मारुति में चाहिए ही चाहिए डैम्पिंग। भाई मेरे को बूफर भी नया लेना पड़ेगा, पेटी भी नई बनवानी पड़ेगी, और गेटों के अंदर मैं मिड्स डलवाऊंगा, और स्क्रीन मेरे पास है ही। तो ये देख लो भाई, अपनी मारुति की बिल्ड क्वालिटी देख लो, ऐसे आती है। अब इसमें काम होना अच्छे से चालू होगा, सारा डैम्प डूम होगा, बढ़िया गेटों में डलवाऊंगा मिड्स, फिर देखो। तो भाई अब डिग्गी होनी चालू हो चुकी है डैम्पिंग के लिए, अब डिग्गी डैम्प होएगी, डिग्गी पूरी डैम्प कराते हैं। ये सारी अंदर तो हो चुकी है, अंदर से डैम्प हो चुकी है, अब ये बाहर वाली इस पर डैम्प होना चालू होएगा। अभी दिखाता हूँ, अभी तो गाड़ी लगी है, तो अपनी फ्रेम की क्लिप लगनी चालू होगी। ये अपने मिड्स के लिए लगती है कि बारिश वारिश होए तो उसमें पानी वानी ना आए। अभी बंद करा दी थी हमने गाड़ी, दोबारा खुलवा दी, मतलब ये जो गेट के हैं ये देखो, ये सारे बंद हो गए थे, फिर एम्बिएंट लाइट वगैरह सिस्टम के चक्कर में दोबारा खुलवाई है। भाई पीछे लगने हैं, एमटेक्स पीछे लगेंगे, ये पीछे हैं, आगे अवतार के भाई से ले लो। 6 मिड है ना टोटल, 6 मिड है और दो मोको के ऊपर वाले, और बूफर एज यूजुअल डेव बॉन्स, मोटा पैसा भाई इसको प्रॉपर फिट कर देना, बारिश का बिल्कुल भी एक पानी ना है। अंदर से तो हो चुके भाई डैम, ये कह रहे हैं कि अभी स्पीकर लगने के बाद, मतलब मिड रेंज लगने, भाई मिड या या मिड रेंज लगने के बाद फिर एक और बार डैम करेंगे। दिखाता हूँ भाई जैसे जैसे होता है, ये एमटेक्स भी लगवा रहा हूँ मैं। लो जी मोटा पैसा, मोटा गड्डिया भाई, अवतार के 165 आरएमएस। ओके रिपोर्ट जेनविन, एमटेक्स डलवाऊंगा या तो मैं ट्रे के वहां पे जगह बनवा के, ये तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, इन चारों में तो अवतार डलवाऊंगा। तो भाई अभी हम जा रहे हैं, क्या कराने जा रहे हैं अभी हम? भाई डिप कराने जा रहे हैं कार्बन फाइबर डिप कराने जा रहे हैं अपने, इसको स्विफ्ट के आगे होता है डैशबोर्ड के वहाँ पे, ये ना अजीब सा लगता है सिल्वर सा, तो मैंने कहा इसको डिप करा लेता, अभी इतनी गाड़ी खुली है, आप ये लगा दो गाड़ी में आना करते हुए भी कम से भी कम 3 से 4 घंटे लगेंगे अभी भी, और क्योंकि अभी वायरिंग होगी सिस्टम सारा, इसलिए मैं घर से स्कूटी उठा लाया था। अब चलते एक बार करा लेते हैं, छोटे मोटे काम है, एक बार डिप कराना है और एक बार टेप वेप भी लेनी थी, ये दो तीन चीज़ें ले लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ वापस आके। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ खिला चुके हैं, आरती से ज़्यादा तो प्रसाद चढ़ाना होता है हमें बालाजी मंदिर में। लो भाई पूरी गाड़ी खुल चुकी है अच्छे से, आ रहे मज़ा आ रहा है, चेक करो। ये मैं डिप होने के लिए देके आ गया, ये भी डिप होके आएगा, फिर इसको भी डिप कराऊंगा, अभी कराते हैं, अभी जस्ट स्टार्टिंग है, गाड़ी पूरी खुल चुकी है, बढ़िया बढ़िया काम होगा इसमें, मज़ा आ जाएगा, आपको दिखाता हूँ। तो भाई वायरिंग लगनी हो चुकी है स्टार्ट, और अभी इसमें LED लगाऊंगा, ये मैं टॉप मॉडल की लगाऊंगा अभी थोड़े बहुत दिनों में, वायरिंग आ चुकी है अंदर से, दिखाता हूँ आपको। ये देखो वायरिंग हो चुकी है स्टार्ट, बढ़िया वायरिंग, इतना हो जाएगा उतनी बड़ी बन जाए, पूरा गिर जाए कोई बात नहीं, बढ़िया मजा आ जाएगा देखना, आज बूफर लगवाएंगे हाई एंड।
लो भाई चेक करो ये हो क्या आ गए बढ़िया तरीके से रेडी भाई। बहुत प्यारा लग रहा है बहुत ज़्यादा। अभी भाई बहुत काम बचा है गाड़ी में बहुत ज़्यादा। एम्बिएंट लाइट तो लग चुकी है चेक करो। ओके रिपोर्ट ये अपने एम्प आ गए हैं सारा भी लग जाएगा सामान। पूरी गाड़ी खुली हुई है भाई टोटली पूरी भाई। एम्बिएंट लाइट बहुत प्यारी लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी मैं इनको भी चेंज कराऊंगा अपने इनको इसके अंदर वो वाले लगाऊंगा जिसमें लाइट होती है मतलब थार वाले लगाऊंगा पर वो मेरे को मिले नहीं। जाते हैं तो करोल बाग जाना पड़ेगा इनके लिए। इसमें थार वाले लगेंगे बहुत प्यारे लगेंगे। एम्प आ चुके हैं वायरिंग हो चुकी है गाड़ी की बट अभी फिर भी लगेंगे एक दो घंटे और मान लो। कोई नहीं अब भून देते हैं भाई आराम से काम। तो भाई गाड़ी का काम हो चुका है सारा का सारा कंप्लीट। और भाई घर से बहुत ज़्यादा गालियाँ वालियाँ पड़ रही है कि कहाँ रह गया क्या है इतनी देर। भाई मैं 12 बजे निकल गया था घर से और अब जा रहा हूँ घर पे काफ़ी लेट हो गया बट कोई नहीं भाई टाइम लगता ही है हर चीज़ में। और भाई सिस्टम में मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा मज़ा बहुत ही ज़्यादा। ये देखो मैंने यहाँ पर मिड रेंज लगवाई हैं दो। ये अपना पाइनियर का सेट डलवाया है ये मेरे पास पहले से रखा हुआ था। ये अपना कार्टी की एम्बिएंट लाइट लगी है ये देखो ये मेरे को सबसे प्यारी लगती है छोटी सी। बस आपको और अच्छे से दिखाऊंगा अभी मैं एक सिस्टम की वीडियो डाल दूंगा। The next day. तो भाई नेक्स्ट डे नई शुरुआत। तो भाई कल रात को तो मैं अच्छे से दिखा नहीं पाया था सिस्टम वगैरह सब कुछ क्योंकि लेट हो गया था रात को बहुत ज़्यादा। फिर आके थक गया था खाना वाना खाया घर पे गालियाँ वालियाँ खाई थोड़ी बहुत। घर वालों ने सुनाया कि इतना लेट हो गया ये वो है। अब दिखाता हूँ आपको ये देखो। एक तो भाई मैंने इसमें डलवाई है ऊपर 150 वाट नीचे डलवाई है 180 वोट। मेन आपको दिखाते हैं हम सिस्टम ये देखिए। ये अपना कार्बन फाइबर करा दिया पाइनियर की स्क्रीन डलवा दी। अब भी भाई पीछे भी सामान रहता है ये अभी डिग्गी में सेटल होएगा क्योंकि पेटी मेरी हल्की सी बड़ी बनी है तो उसके चक्कर में टायर नहीं आ रहा। ये देखिए ये अपना दो बूफर है नाकामिची के बिल्कुल ब्रांड न्यू बूफर है अभी खुलेंगे नहीं तो देखते हैं भाई अगर अच्छे से सेटल नहीं हो पाया क्योंकि भाई टायर लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो मैं इस पेटी को चेंज करूँगा पेटी को चेंज करके थोड़ी छोटी कराऊँगा बट फिर एयर पास में दिक्कत आएगी तो इसलिए देखो कॉलम्स वगैरह कटवा के बिल्कुल सेट करा रखी है। अभी देखते हैं जैसा भी होगा नहीं तो इसमें सिंगल बूफर डालूंगा डेव बोन्स का एक। और आपको दिखाता हूँ ओहो आ चुकी है एक और रानी। लो भाई आ चुकी है एक और वेरी हैवी सिस्टम। कैसा लगा भाई कल सिस्टम ओके मजा आ गया। तो भाई सबको मजा आ गया सिस्टम में। अब जो बाकी के मॉड्स बचे हैं वो कराएंगे फिर आपको दिखाते हैं। आ जाओ देखो सिस्टम तो सुनाओ आ जाओ भाई। फाइनली सिस्टम भी लग गया। देखो मेन चीज पाइनियर ये अपना 3 इंच की मिडन है। तो भाई नया बूफर डलवा रहा हूँ मैं सीए का। गाड़ी के अंदर भाई स्पेस ही नहीं बन रही थी मैंने नया बूफर ले लिया। फिर ये लगवाई थी मैंने पेटी
इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि ये बहुत बड़ी पेटी हो गई थी, इससे सीट बिल्कुल आगे हो गई थी। तो मैंने अब नया ही बनवा लिया, नई पेटी ले ली अपना मॉन्स्टर से और नया बूफर ले लिया। भाई एक ही बारी का खर्चा होता है, अब बढ़िया एक बारी में मैं नया ले लूँगा और बहुत बढ़िया बूफर है भाई, बहुत बढ़िया। ये अपना डबल कॉइल का बूफर है, शानदार शानदार बूफर। देखो कितना कितना प्यारा लग रहा है, वायरिंग देखो कितनी मोटी हो रही है भाई, पर लगने दो फिर दिखाता हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। दो भाई रेडी हो गई, अब देखते हैं कितना मज़ा आएगा, दिखाता हूँ अपना सारा काम हो चुका। और भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना। ये व्लॉग थोड़ा छोटा है क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरी हालत बुरी हो गई है। सामान देखो पीछे सारा ऐसे ही पड़ा है, अब अपना घर पे जाऊँगा, सामान वान रखूँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा, और भाई सिस्टम में थोड़ा सा काम कराने जाओ, इतने पैसे लग जाते हैं भाई, मैं क्या बताऊँ। तो कोई नहीं, अब घर पहुँचता हूँ, घर पहुँच के मैं अपना थोड़ा रेस्ट करूँगा। और भाई प्लीज़ व्लॉग्स को अपना प्यार व्यार दिखाओ अच्छे से, और ऐसे ही मॉडिफिकेशन आती रहेंगी बढ़िया बढ़िया। मैंने बोला था पहले मैं अलॉयज डलवाऊँगा फिर सिस्टम डलवाऊँगा, आज सिस्टम भी डलवा लिया। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के साथ, या फिर अपना कहीं पे भी ट्रिप व्रिप मारेंगे तब आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने ट्रिप के लिए ही तैयार कराई है गाड़ी, क्योंकि अभी मेरा मन है कहीं पर जाने का, तो अभी सारे यार दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूम के आएंगे, फिर आपको दिखाते हैं अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच। और भाई पूरा व्लॉग देखना, इसमें मैंने अपनी गाड़ी का मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स दिखाए, मतलब सारे ही दिखाया मैंने मॉडिफिकेशन का, मतलब जो भी इसमें सिस्टम सिस्टम लगाया। तो ठीक है, पूरा व्लॉग देखना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।